नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत। करते हैं सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आज पारसी नववर्ष, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सभी देशवासियों को बधाई। जम्मू कश्मीर के शोपियों में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर की हत्या। यूपी के हापुड़ जिला कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग, हरियाणा से पेशी पर आए अपराधी पर हुई फायरिंग। उड़ीसा में भारी बारिश से बड़ा बाढ़ का खतरा, 25 सदस्यों की एनडीआरएफ टीम की गई तैनात। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त, 39 जवान थे सवार, रेस्क्यू जारी। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, 6 विधायक बीजेपी में ही हो सकते हैं शामिल। भारत को अमीर बनाने का केजरीवाल ने दिया 4 सूत्रीय फॉर्मूला, अच्छी शिक्षा पर दिया पहला जोर। बिहार कैबिनेट का विस्तार आज, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ले सकते हैं शपथ। और एमपी नर्मदापुरम में खतरे के निशान पर बह रही नर्मदा नदी, आसपास के इलाके कराए गए खाली।